आपको इस वीडियो में जो भी जानकारी मिलेगी वो पूरी तरह से सटीक है, प्रमाणित है। अगर आपको इसके तथ्य चाहिए हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर मैसेज कर सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। नंबर दो है स्वाधिष्ठान चक्र। इस चक्र के रहस्य, नेकी कर दरिया में डाल, मूलाधार से उठी ऊर्जा जब बाहर नहीं निकल पाती तो ऊर्जा और ऊपर की तरफ उठ जाती है। ऊपर उठकर ऊर्जा जिस स्थान पर पहुंचती है उसे स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। इसमें व्यक्ति के फेफड़े कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ पर साधक को संसार से वैराग्य हो जाता है और व्यक्ति फिर परमात्मा की प्राप्ति की राह में लग जाता है और दयालु हो जाता है। व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो जाता है जिससे व्यक्ति में दयालुता का प्रवेश होता है और फिर साधक बिना किसी उद्देश्य के केवल परमात्मा को साधने में लग जाता है। यहाँ पे परमात्मा की बात है, परम आत्मा जो हर किसी के अंदर विद्यमान होती है। स्वाधिष्ठान चक्र में व्यक्ति द्विज हो जाता है, व्यक्ति का दूसरा जन्म हो जाता है। व्यक्ति संसार में अपनी ऊर्जा नहीं लगाता और इसी ऊर्जा से परमात्मा को प्राप्त करता है। इसी ऊर्जा को कुंडलिनी कहते हैं क्योंकि ये ऊर्जा का कुंड होती है। स्वाधिष्ठान चक्र में व्यक्ति की साधना को पंख लग जाते हैं। व्यक्ति आगे की साधना में आसानी से जाता है। इसमें व्यक्ति को स्वाद की अनुभूति होती है क्योंकि इसमें पृथ्वी तत्व एवं जल तत्व का मिश्रण होता है जो व्यक्ति को स्वाद प्रदान करता है। व्यक्ति को भूख लगने लगती है। स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व का स्थान है। इसमें साधक को दूसरों की सहायता करना है और उसकी गई सहायता को भूल जाना है, उसका बखान नहीं करना है। स्वाधिष्ठान चक्र में साधक जो भी खाता है उस खाने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा को कुंड में डाल देना है। जो ऊर्जा का कुंड साधक के शरीर के भीतर है उसे ही दरिया कहा गया है। ये क्रोध का दूसरा पायदान है। स्वाधिष्ठान चक्र में साधक को क्रोध पर विजय प्राप्त हो जाती है। इसका स्थान कहाँ पे है बताते हैं हम। इसका स्थान पेड़ के सामने मेरुदंड के बगल में सुषुम्ना से मिला हुआ है, अर्थात पौरुष, इंद्रिय और नाभि के बीच भाग में यह चक्र स्थित है। इस चक्र पर जो प्रकाश के साथ ध्यान करने पर 30 मिनट प्रतिदिन अविरल एकाग्रता के साथ ध्यान करने पर ये चक्र खुल जाता है। इसको कैसे करना है? आप पीठ को सीधा परंतु ढीला रखते हुए अपने घुटनों पर बैठ जाए। आपको चित्र के द्वारा इसमें दिखाया गया होगा। हथेलियों को ऊपर की दिशा में रखते हुए अपने हाथों को एक दूसरे के ऊपर करके गोद में रख लें। बाएं हाथ को इस प्रकार नीचे रखें कि उसकी हथेली दाहिने हाथ के उंगलियों के पिछले भाग को स्पर्श करे और अंगूठे आपस में हल्के से स्पर्श करें। पीठ के निचले हिस्से में स्थित स्वाधिष्ठान चक्र और वो जिस चीज के लिए है उस पर ध्यान केंद्रित करें खामोशी से। और इसमें आपको वम मंत्र का उच्चारण करना है। ऐसे आप बैठ जाएं और उसके बाद आप पेट में सांस ले लें। आपको इसमें पेट से सांस लेना है और वम मंत्र का उच्चारण करें। वम जब तक आपको श्वास रहे तब तक करें। उसके बाद में फिर से सांस भरे पेट में और सांस को बाहर निकालते हुए उच्चारण करें वम का। इस पूरे समय अपने को रिलैक्स होने दें। चक्र और उसके अर्थ के बारे में अभी भी सोचते हुए कि वो किस तरह आपके जीवन को प्रभावित करता है या प्रभावित करना चाहिए उसको इमेजिन करें साथ में। वो जो इसके जो फायदे हैं वो आपके दिमाग में रहें। इसे तब तक करें जब तक आप पूर्णतया रिलैक्स ना हो जाएं। आपको एक स्वच्छ अनुभूति हो सकती है। ये भी आपको लगभग 30 मिनट के आसपास करना है और इसमें आपको एक आपको जो माथे के सामने है वो आपको लौ देखनी है। लाल रंग की जो एक प्रकाश, जैसे हम मोमबत्ती जलाते हैं तो एक प्रकाश होता है, उसको आपको देखना है। दोनों भावों के बीच में आपको इमेजिन करना है। आपको शुरुआत में दिक्कत हो सकती है लेकिन आप धीरे धीरे एक दो दिन करेंगे उसके बाद से आपको आसानी से दिखने लगेगा प्रकाश।